है दोस्तों, आप सभी को एक बार फिर प्राइम बलून मैथ के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम एक फैक्ट के साथ बता रहे हैं, जिसके आज ही के दिन 3 दिन लगातार कंटिन्यू एग्जाम हुई थी, जो आप सभी को बताई गई SI की जो एग्जाम थी वो 3 दिन कंटिन्यू चली थी। तो उसको एनालाइज करते हुए जो है कि एवरेज बताते हुए कि कितनी परसेंटेज जा सकती है, कितनी नहीं जा सकती है, पिछली बार 2016 में जो एग्जाम लगी थी उस टाइम कितनी गई थी, फाइनल कितनी गई थी और अब फाइनल कितनी जा सकती है, और रिटर्न पेपर में कितने नंबर लाने पर आप पास हो सकते हो। दोस्तों तो ये वीडियो क्या है, आप लास्ट तक देखिए। जब तक आप पूरी वीडियो को नहीं देखेंगे दोस्तों, तो आपको ये पता नहीं लग सकता कि गुरु जी ने क्या बताया, कितनी परसेंटेज गई है SI की, कितनी नहीं जाइए। तो आप देखते रहिए लास्ट तक, जल्दी से जल्दी सभी विद्यार्थी आ जाइए और कमेंट करके बता दीजिए भाई कि रेडी करते भाई। तो देखो हमारे अनुसार डाटा आई थी, मतलब कहने का थे कि दूसरे दिन 13 तारीख को अच्छा पेपर आया था, 14 को भी पेपर थोड़ा टफ आने लग गया, और फिर आज के दिन मतलब 15 तारीख को जो पेपर आया था वो भाई थोड़ा हल्का आया। तो मतलब अपन कह सकते जो एवरेज लगाया वो एवरेज कितने का है भाई। तो देखो भाई यहाँ पे जनरल की बात करें, जी कितनी हुई, 2021 SI, ये कट ऑफ 2021 की जो SI है उनकी बात करने वाले हैं। तो ये जनरल है, जनरल कितनी जा सकती है अब की बात, जब पिछली बार 210 नंबर गए थे दोस्तों, तो अब की बार कितने जा सकते हैं, 230 से 240 के बीच में नंबर जा सकते हैं। इनके बीच में जो नंबर आ रहा है उसके बाद OBC के नंबर 225 से 235 के बीच में आ रहा है, SC के नंबर, SC कैटेगरी के नंबर 180 से 190 के बीच में आ रहा है, और यहां पे ST की बात करते हुए 190 से 200 के बीच में जो रेंज में नंबर आ रहा है। तो 400 नंबर का पेपर था भाई, एक पेपर स्पेशल हिंदी का था, दूसरा पेपर स्पेशल GK का था, और GK का भाई अर्थ भंडार होता है जिसमें कहीं से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दोस्तों अब बात करते भाई, जो बच्चा जनरल कैटेगरी से आता है उसके 230 से 240 के बीच में जो नंबर आ रहे हैं, तो वही आज से वो फिजिकल की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। उसके बाद OBC के 225 से 235 के बीच में जो नंबर आ रहे हैं वो बच्चा भाई OBC वाला फिजिकल की तैयारी करना स्टार्ट कर दो, और जो SC वाला बच्चा है वो 180 से 190 के बीच में आ रहा है वो फिजिकल की तैयारी स्टार्ट करो। और यहाँ पे जो अपन बोला कि सर ST की तो कम परसेंटेज आती है, लेकिन भाई लोग जो पहले जो एग्जाम लगी थी 2016 उसमें भाई SC की कितनी गई थी, ST से कितने नंबर ज्यादा गए, 4 नंबर ज्यादा गए थे। तो यहाँ पे अपन ने वही बात किया, इसलिए जो ST का कैंडिडेट है वो 190 से 200 के बीच में उसके नंबर आ रहे हैं, तो वही क्लियर उसका रिटर्न एग्जाम पास हो जाएगा, फिजिकल के लिए वो क्वालिफाई कर जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आपको बताया है कि कितनी कट ऑफ रह सकती है 2021 की कट ऑफ SI की एग्जाम, जो राजस्थान SI है उसकी कट ऑफ इसके अनुसार रहेगी। जब इसका फाइनल रिजल्ट आएगा तो आप मिला लेना भाई इससे कि जो प्रेम सर ने बताई थी वो परसेंटेज एवरेज होता है भाई कितना इतना जा सकता है, तो वो ही आपको कंफर्म करवा देगा भाई कि जो प्रेम सर ने बोला है वो राइट है या गलत। तो ये बात अब की बार ऐसा कि जो एग्जाम 3 चरणों में हुई थी, पहले 1 चरण में हुई थी, 1 दिन में हो जाया करती थी, लेकिन अब की बार 3 चरणों में एग्जाम करवाई थी। बट इसका रीजन अब तक किसी को समझ नहीं आया 3 चरणों में क्यों की जा रही है, क्योंकि इसके फॉर्म 8 लाख आए थे, उसके बाद जो रीट की एग्जाम वो वही 16 लाख व्यक्ति बैठे, 16 लाख विद्यार्थी बैठे, 16 लाख बेरोजगार विद्यार्थी बैठे, उनकी एग्जाम 1 दिन में करवा सकते हैं। तो वही SI की भी एग्जाम 1 दिन में हो सकती थी,
लेकिन क्यों नहीं करवाया, इसका कोई रीजन पता नहीं, आज तक किसी को पता नहीं लगा। तो इसलिए भाई ये कट ऑफ के अंदर आपका नंबर आ रहा है तो आपका फाइनल फिजिकल के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जानकारी बंदे को अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक तक देखा होगा मुझे उम्मीद है सभी विद्यार्थियों ने। तो एक बार भाई चैनल को पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और बेल आइकन घंटी दबा दे, जब मैं ऑनलाइन आऊंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है भाई।